लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं कोर्ट में प्रूव करना होगा कि आप दोनों साथ रहते हो। आप ही ने डिवोर्स पेपर्स भेजे थे ना उसके पास? हाँ भेजा तो था, लेकिन आप दोनों ऑलरेडी 6 साल से सेपरेटेड हो। अब सेपरेटेड को सेपरेट कैसे करूँ? मैं तो कहता हूँ यू शुड डू इट, वरना ये बच्चे को भी ये लगेगा कि आप उनके माँ से आप मिलने नहीं देते उन्हें। हायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है भाई। हमारे लिए कर ले, रौनक लगा दी है हमने बच्चे छोड़ के जा रही। इमरजेंसी, हैव टू गो बैक, फैमिली मैटर है। Hello everybody, Shivam is here with pizzas. केला खा खा के थक गया था मैं। तुम्हारे घर में केलों के अलावा कुछ नहीं है क्या? Junk food for you. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगले 15 दिन तक मैं जी और दिया यहीं रहने वाले। क्यों? क्या हुआ? जिया दिया? जाके hands wash करके आ। क्या हुआ? इतनी जल्दी मन भर गया अपने बच्चों के प्यार से? नमस्ते पलक जी। आइए ऋत्विक प्लीज। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में किसी भी कपल को कोर्ट इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देता। शादी करना शायद आसान हो, लेकिन इसको कानूनन तोड़ना, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए हमें जज को कन्विंस करना है कि बच्चों की खातिर आप दोनों ने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, इसीलिए आप दोनों को 15 दिन एक साथ रहना होगा, वरना कोर्ट आपको 6 महीने रहने के लिए कंपेल करेगा। नाउ यू बोथ नीड टू डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन, 15 डेज और 6 मंथ्स। 15 डेज क्यों? हम म्यूचुअली डिवोर्स कर रहे हैं तो क्या जरूरत है इन सब चीजों? मैं कुछ डिमांड भी नहीं कर रहा ना, मैं अग्री ऑन ऑल दिस टर्म। मैडम ये तो और भी डाउटफुल है, हो सकता है मेरे क्लाइंट ने आप पर दबाव डाला हो। ये वर्क आउट नहीं करेगा, आप प्लीज कुछ और भी निकालिए। वकील साहब आप क्या चाहते हो? ये डिवोर्स केस मर्डर ट्रायल में कन्वर्ट हो रहा है। और वैसे भी ना 15 डेज का लॉजिक मुझे समझ गया ना, मैंने कहीं नहीं सुना। आप प्लीज डिवोर्स के लिए फाइल कीजिए। हाय एवरीवन। हेलो, कैसे हैं? पलक, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा, देख सो कूल ना, बैटरी ऑपरेटेड है, अमेजिंग ना। ऋत्विक, ये तुम्हारे लिए। क्या तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अरे जिया दिया का ख्याल रखना है उसको, दिस विल हेल्प हिम राइट। और इसका एक और यूज भी है, अगर तुम पे कोई अटैक करे तो। देखिए आप दोनों मुझे लॉ मत सिखाइए, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई और वकील कर लीजिए प्लीज। गुड आइडिया। भाई फालतू वकील साहब क्यों ले रहे हो पंगा? ऐसे भी 15 दिन की बात है ना, और 15 दिन के बाद तो फिर जिंदगी भर का छुटकारा। लेसन द लॉयर वाज टेलिंग कि जज 6 महीने तक भी लगा सकते हैं। देखिए यार 15 दिन की बात है, जिया दिया की हेल्प हो जाएगी यार। It's a new environment for them. It's like easy for you also. रिकी को तो समझा सकती है कि कैसे जियादिया का ख्याल रखना है and everything. जियादिया को लगना चाहिए तारुण के माँ बाप ना दोस्त हैं। Fifteen days. Not a second more. Anything to get rid of you. सेतु भाभी आप तो कमाल हो, आपने तो इस लॉयर को भी डरा दिया। विजय जी क्या बात है, आज थोड़ा लो लग रहे हो, आर यू ओके? ना ओ यार आई एम नॉट ओके। व्हाट हैपेंड? मेरी डॉक्टर मुझे छोड़ के चली गई। ओ शी वाज माय फिजियोथेरेपिस्ट। हां उसी की बदौलत आज मैं चल सकता हूँ। बहुत अच्छी लड़की थी, बिल्कुल घर जैसे।
आप बड़े सेंसिटिव हैं विजय भाई, अपने एम्प्लॉय के लिए भी इतना सोचते हैं। आई लाइक दैट अबाउट यू। तो इतनी जल्दी हाँ भी हो गया? शट अप दी। और क्या सुन रहा हूँ, परसों रोका भी है। अब आप लोगों के घर की हेडेक मेरी लाइफ की हेडेक बनने वाली है। व्हाट डू यू मीन? सही बोल रहा है? भाई तेरा फोन बज रहा है। एक्सक्यूज मी प्लीज। श्योर। अच्छा परसों रोका है, अगर आपकी कोई मतलब अगर कुछ खास। अरे विजय भाई क्यों शर्मिंदा करते हैं, अरे सनाया जैसी इतनी प्यारी बेटी आपने हमें दे दी तो फिर और क्या। लेकिन डैड इतने शॉर्ट नोटिस पे हम कैसे आ सकते हैं, और मुझे लंदन भी जाना है। विक्की ने तो बिजनेस संभालना ही बंद कर दिया, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। और डैड अगर आप एडवांस में बता देते तो शायद हम कोशिश करते। डैड मुझे नहीं लगता इट्स गोना बी पॉसिबल। एनीवेज मैं शनाया को फोन करके उसको कंग्रेचुलेट करता हूँ। बाय डैड। तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे कहा था ना तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। तेरा हमेशा का यही है, कब मिलेंगे मेरे पैसे? मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे, अब जा यहाँ से। क्या मतलब? अरे मुझे अभी चाहिए, वरना मैं तेरी फियोंसी को सब सच बता दूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा समझा? क्यों क्यों नहीं कर सकता? नकुल कहाँ गया मेरा फर्स्ट किस? हॉल में सोना पड़ेगा तुम्हें, और कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। मेरी चॉइस होती तो तुम जिंदा थोड़ी होती। सॉरी? कुछ नहीं, नहाने जा रहा हूँ मैं। तो? अकेला। तुम यारे नहीं आइडिया सुन के? रियली? पता से तुम ऐसे क्या बोल रही थी? ये ना पापा ने मम्मा को बहुत दुख दिया है। मतलब पापा बुरे हैं? पता नहीं, मम्मा को तो बिल्कुल नहीं पसंद। अगर पापा ने मम्मा को दुख दिया है, अब हम पापा को दुख देंगे। जिया जिया, अरे मेरा शार्जल कहाँ है यार? सुनो जिया दिया नहीं है यहाँ पे, मुझे बताओ। मेरा शार्जल नहीं मिल रहा है यार, मुझे नहाना है। अच्छा रुको देखती हूँ। हाँ प्लीज जिया दिया के कमरे में चेक करना प्लीज। मैंने ढूंढा तुम्हारा शावर जेल नहीं मिल रहा है, तो तुम प्लीज वो सोप यूज कर लो, वहीं पे रखिए। नहीं मुझे मेरा शार्जल, सोप सोप से कौन नहाता है यार। स्टॉप बीइंग सो फसी एंड यूज द सोप। गॉड डैम इट। क्या हुआ, तुम ठीक हो? चल रहा है। ओ ओपन द डोर। एक मिनट रुको। क्या हुआ? क्या हुआ? वो चल रहे, बहुत बहुत चल रहे। क्या क्या लगाया क्या तुमने? ये कहो तुम? ये ब्लैक पेपर है, इसके अंदर तुमने सोप क्यों लगाया? तुमने तो कहा था ये सोप लगाने के लिए यार। मुझे लगा कोई फैंसी चारकोल सोप होगा यार। जल रहा है। इस घर में फैंसी चारकोल सोप क्यों होगा? रुको मैं एक सेकंड पानी लेके आती हूँ। जगह से लेके आओगे यार तुम? तुमने तो मुझे कहा था नहीं। पानी डाल रही हूँ। चुप। मेरी आँख जल रही है, मेरा मुंह जल रहा है, मेरी चीख जल रही है, मेरा चेहरा जल रहा है। जल्दी करो, बहुत जल रहा है। कुछ फर्क पड़ा? एक सेकंड। बहुत जल रहा है। आंखें जल रही है मेरी। एक सेकंड।
तुम बस पानी दे दो मुझे, मैं कर लूंगा। जानबूझ के किया ना तुमने ये सब? I wish मैंने किया होता। And you know what? अगर मैंने किया होता तो मिर्ची कहीं और लगती। करो अब ये खुद। Shut up! Not a single word now. अगर नून्स को तुम्हारी अय्याशियों के बारे में पता चला तो वो ये रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे? सर 20,000। ये लो, दोबारा इस लड़के के आसपास नजर नहीं आना। ओके, एट लास्ट। अगली बार तुम जेल में मिलोगे नकुल, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। ओए जिया दिया, चलो मैंने डिनर में नूडल्स बनाए हैं, बैठ के खाओ। बड़े मिर्ची वाले साबुन से नहाते हो तुम दोनों? पापा हम तो देख रहे थे आप कितने स्मार्ट हो। खाने में डाला है मैंने उतना ही, खा लेना आराम से। सीरियस? ओए रुक जा यार, मैं कॉल कर। तुम्हारी ऐसी की तैसी भाग कर रही हो तुम, क्या है तेरे को? अरे भाई आपका वीडियो देखा अभी, आप ये कौन सा गैस छोड़ रहे हो? थप्पड़ मारूंगा देखो, और इनको तो मैं छोड़ूंगा मैं नहीं। क्या हुआ तुम? क्या किया तुमने? तुम बच्चों के साथ ये सब कर, पूरा घर तुमने फैला दिया, कौन साफ करेगा? मैंने नहीं किया, ये तुम्हारी उन दो भूतनियों ने किया हुआ है। इतना वाइल्ड सेक्स किया था ना उसकी वजह से, ये वाइल्ड पागल पैदा किया। वाइल्ड सेक्स तुम्हें चाहिए था ना? वाइल्ड सेक्स तुम्हें जगह आता था हर जगह। तुम ही रोक लेती ना मेरे को, हर जगह सेड्यूस क्यों करती थी फिर? बता रहे हो मुझे माँ और बाप बनना दोनों कितना मुश्किल होता है तुम्हें पता है? सीख जाऊंगा, खुश हो जाओ, मैं फ्री कर दूंगा जल्दी। I'll handle everything। कमर तोड़ती बेवकूफों ने। मम्मा, मम्मा, सुनो ना, मामा आप कुछ बोल तो नहीं रहे? क्या है? क्यों परेशान कर अपने पापा को तुम दोनों? पापा ने भी तो आपको परेशान किया है ना, हमें सब पता है। क्या क्या पता है तुम दोनों? हमने सेतु मौसी और आपकी सारी बातें सुन ली थी। देखो ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैं आप दोनों को बहुत गुस्सा करती हूँ पर प्यार भी करती हूँ ना, वैसे पापा के साथ भी ऐसा ही है। तो आप पापा से भी प्यार करती हूँ? कोर्स करती हूँ, वो पापा है आपके और वो भी आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। ओके, आप लोगों ने जो उनके साथ किया, उनकी सोप में मिर्ची डाली, पता है अगर कोई और पापा होते तो वो कितना गुस्सा करते, आपको कितना पनिश करते, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं इसलिए। अगर पापा इतने ही हैं तो बचपन से हमारे साथ क्यों नहीं रहे? ये सब बातें ना होती है बड़ों के बीच। ओके, आप लोग अभी नहीं समझोगे बट जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो कभी कभी उनसे दूर रहना पड़ता है। अब आप बताओ पापा का बिजनेस कहाँ है? दिल्ली में है, राइट? मम्मी कहाँ काम करती है? मसूरी में। मम्मी का हॉस्पिटल मसूरी में है ना, तो वो साथ में कैसे रहेंगे? वेकेशन में भी। आपने देखा है ना पापा कितना काम करते हैं, दादू की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो पापा को बहुत हेल्प करनी पड़ती है उनकी। आप मेरी बात सुनो, आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज उन्हें परेशान मत करो, प्लीज उन्हें बहुत सारा प्यार करो, प्रॉमिस? प्रॉमिस।
से पड़ी। What? थप्पड़? तुम्हारे पापा ने तुम्हें थप्पड़ मारा ना? थोड़ी तो लगी होगी, चुप मत बोलो। तुमने देखा? हाँ। और वो लड़का कौन था? तुम किसी से पैसे तो नहीं? अरे नहीं यार, वो तुमने पता नहीं क्या समझ ली। ओके देन चिल। एक्चुअली मैंने ना सिक्योरिटी रूम में जाके तुम्हें सीसीटीवी पे ढूंढा। वो मैं हमेशा करती हूँ, जब भी सैम के साथ हाइड एंड सीक खेलती हूँ, सैम को बताना मत। तो वैसे ही मैंने तुम्हें सीसीटीवी में देखा और तुम किसी से बात कर रहे थे और तब तक तुम्हारे डैड ने आके तुम्हें थप्पड़ मारा और फिर उन्होंने उसको कुछ पैसे दिए। तो मतलब अगर तुम्हारे पापा को तुम्हारी कोई शिकायत मिले तो शादी के बाद भी ऐसे ही थप्पड़? Oh my God, this is too funny. दीवादी, you know what? यार उस ड्रग डीलर को इस बार तो अंकल ने पैसे दे दिए, बाकियों का क्या? पूछ मत यार, एक तो डैड ने वैसे ही फंड फ्रीज कर रखे, ऊपर से उस मोटी ने सब देख लिया, आज बाल बाल बच गया हमें। वैसे वो मोटी बहुत बड़ी पार्टी है मेरे दोस्त, गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। वैसे भी क्या फायदा, तुझे तो पता ही नहीं है सोने की चिड़िया फंसाते कैसे। मुझे सिखाएगा तू? अरे मेरी बात सुन, सोने की चिड़िया का MMS बना और उसकी न्यूड पिक्चर्स क्लिक कर। MMS? और वैसे भी वायरल होने के डर से वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। सोने दो ना नकुल। What are you wearing? I'm wearing a sexy night dress. बाल खुले? बाल तो टाइट है, खुले होते तो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, I don't like it. अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हारी जुल्फों को सहला रहा होता, तुम्हारे होठों को छूता, तुम्हारे गालों को। अगर तुम यहाँ होते तो मैं अपने बाल खुद खोल लेती, और फिलहाल तो मैं अकेली हूँ। Surprise! What the hell, नकुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार पापा आ जाएंगे और CCTVs लगे हैं, तुम यहाँ से निकलो, just leave from here. मैंने सोचा कि इमेजिनेशन को रियलिटी में टर्न किया जाए, तो ये है तुम्हारी सेक्सी नाइट? नहीं। वो मैंने ब्रश नहीं किया है और लिप बाम भी नहीं लगाया। चलेगा। एक्चुअली आई वांट माय फर्स्ट किस टू बी परफेक्ट, सो आई जस्ट बी बैक 2 मिनट्स। ये है तुम्हारी सेक्सी नाइटी, तुम इसके बिना ज्यादा अच्छी लगती हो। तो क्या तुम पहनोगे? तुम बोलती बहुत हो। फर्स्ट किस कभी प्लान नहीं होता, बस हो जाता। ओह माय गॉड, नकुल तुम जाओ, निकलो यहाँ से, देखो यहाँ क्या है, जस्ट लीव। शिवम तू यहाँ क्या कर रहा है? ये टाइम है कोई आने का? प्रगति? प्रगति तेरे साथ ही रहेगी। Sorry Shnaya, this is just not my fault. Actually, Shivam चाहता था कि मैं यहाँ रहूँ so that पलक और ऋत्विक को थोड़ी romantic privacy मिले। Of course, romantic privacy ज़रूरी है। Please be my guest. Oh sweet. चल निकल यहाँ से, bye. Please be comfortable. Thank you. Not alone. एक फ्रेंड मेरा रूम शेयर करेगी। ओह शिट। जी अंकल। ये आपका चेक पलक।
वैसे तो आज हॉलीडे था पर वीपी सर ने कहा था दैट देयर शुड बी नो डिले. थैंक यू. बेटा सनाया पढ़ाई में हमेशा होशियार रही है. वो चाहती है कि शादी के बाद वो काम करे. आई होप आप लोगों को इस बात पे कोई एतराज ना हो. ऑफ कोर्स नॉट अंकल. अच्छा लगा सुन के. वो वैसे भी इतनी क्वालिफाइड है, वैसे भी मुझे हाउसवाइफ नहीं चाहिए. तुम्हारी बात सुन के दिल को तसल्ली हुई. सनाया रोज मुझसे पूछती है पापा ऑफिस आऊँ, कैन आई जॉइन ऑफिस, कैन आई कम टू ऑफिस. अब शादी के बाद चाहे वो तुम्हारे ऑफिस आए या मेरे, बात तो एक ही है. बिल्कुल. एक काम करते हैं, वील हैव वन मोर मीटिंग एंड वील डिस्कस योर फ्यूचर एट लेंथ एंड इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छी बात है. आई नो वो मोटी है और वैसे भी मुझे उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है बस. और मेरे ख्याल से सही है. Who will finance my luxuries then?